ये हो गया जी चीला, एक साइड से सिक चुका है। दो डाल दिया मैंने इसमें, तो पकौड़ियाँ बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, कैसे हो आपसे स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी सुबह के टाइम है, 6 बज चुके हैं, हम सो के उठ चुके थे, तो आज बारिश आ रही, थोड़ा लेट उठे हैं और रात से ही बारिश हो रही बहुत तेज। तो अभी हो रही है नहाने की तैयारी, मैंने लगाया है पानी टंकी चल रही मतलब की, और अभी बारिश आ रही है बहुत तेज से। तो आज है संडे, संडे वाले दिन हमारे यहाँ पे ना भूमिया पूजन होती है, जो गांव का भूमिया खेड़ा हुआ है ना उसकी पूजा। तो अभी फिर जोर जोर से बारिश आ गई है, देखो यहाँ पे पूरी और पूरी रात हो गई बरस रहा राम जी। तो फिर भी अच्छा है, वरना गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मौसम बहुत अच्छा होगा एकदम से। अर्णिका और अर्णिका के पापा सो रहे हैं, ये देखिए अर्णिका को लगती है गर्मी, वो कपड़ा नहीं ओढ़ती, और इन्हें लग रही ठंड, ये कपड़ा ओढ़ के सो रहे हैं। अभी यहाँ पे मम्मी कर रही है चिलरे बनाने की तैयारी, तो मम्मी बोल रही कि तब तक तुम ना क्या हो, आटा बना दो इसका, जैसे पूड़ों का आटा होगा ना ऐसे होगा। तो चिलरे बनेंगे, चिलरों से ही पूजा होती है, चिलरे बनाऊंगी मैं। मम्मी कह रही कि मेरे साथ तेरे बना हाँ, जैसे डोसा बनाया ना ऐसे हो गया, वो उसे हाथ से फैला दे। तो वैसे हम बना, मैं बना लूँ, मम्मी को देखा मैंने बनाती है, अपनी दादी को देखा थी ना मम्मी बचपन से, तो बस इस वजह से आ गए थोड़े बहुत। तो तब तक मम्मी आटा बना देगी, मैं बोल रही कभी मेरे पतला हो जाए तो मम्मी ठीक से बना देगी, इसको पानी दे रही कितने सारे आम रखे। ये कल अर्णिका के पापा लेकर आए थे 5 किलो आम, गांव के पास ही एक बाग है और जी वहाँ से टपके वाले आम है, बहुत मीठे हैं। तो अभी बस मम्मी इसका आटा बना के रख देगी, जैसे पूड़ों का होगा तो तब तक हम बना लेते हैं। एक पापा जब उड़ा लो कपड़ा सा थोड़ा सा, सुनो सुनो, ये ना उठते अन्य पापा, इसके पास ही लेट जाओ, अन्य में ठंडा मौसम हो रहा है, इसे अपने पास लेटा लो और जी इसे थोड़ा सा कपड़ा उड़ाओ। ये देखो बाबूजी कैसे लेट रहे। तो ये देखिए जी कितनी तेज तेज बारिश आ गई अभी फिर से, और पूजा का सामान तो तैयार कर लेंगे, देखते हैं पापा को भेजेंगे कि छतरी लेके चले जाएंगे पूजा करने के लिए, और पूरी रात हो गया ऐसे ही बारिश हो रही। तो अभी चलते हैं किचन में, बनाते हैं चिल्ले। गाइस अभी हम बना रहे हैं चिल्ले, और चिल्ला जो है कुछ बन चुका है पूजा के लिए वाले मेरे की रेसिपी में बना रहे, और जी कुछ छोटे बनाए हैं कुछ बड़े बनाए हैं, 6 बन गए, 6 जाएंगे पूजा के लिए, क्योंकि 5 है ना भूमिया चढ़े वहाँ पे, तो 5 जगह पूजा होती है, तो उनके लिए हो गए। अभी यहाँ पे और बनाएंगे घी के लिए, तो चलिए जी अभी करते हैं और बनाने की तैयारी। जैसे डोसा बना है ना इस तरह का ही बना है, वैसे ही हो गया घी। करे ना हमने गैस का फ्लेम लो कर रखा बिल्कुल, तो अभी से ऐसे हाथों से फैला लेंगे। धीरे धीरे करके जिससे कि ये सीखने के लिए परफेक्ट हो जाए गोल आकार में, ज़्यादा गोल तो बनने के नहीं लेकिन फिर भी बना लेंगे ठीक ठाक सा, धीरे धीरे ऐसे करके थोड़े मोटे मोटे से ही बनते हैं। तो अभी गैस कर देंगे तेज, अभी चारों ओर को डाल देंगे इसकी घी, जिससे ये किनारे है ना इसकी सीख जाए अच्छे से। और फिर इसे कोचे की सहायता से पलट देंगे थोड़ी देर में, फिर ये हल्का हल्का सीख जाएगा इधर से, देखो अपना आप ही किनारे छोड़ने लगा। ये हो गया जी चीला, एक साइड से सिक चुका है, अभी दूसरी साइड से देख लेंगे, और ऐसे ही
किनारे उठा के घी डाल देंगे, जिससे कि बीज तक चला जाए यहाँ पे। तो थोड़ी देर में चीला सीखे हो जाएगा तैयार। तो आइए और आप दिखाइए हमारे साथ गर्म गर्म चीले मिट्टी वाले सुबह ही, तो अच्छे बने हैं। वैसे ये वाले तो पूजा के लिए अलग रख देंगे, ये वाले स्मरण के रख लेंगे। थोड़े से और ये बना लेंगे, कुछ बनाएंगे सुवाली। ये रहे आटा बना के रख रखा इधर, ये देखो। और कुछ बनाएंगे पकौड़ी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा। जो बनाओगे पकौड़े, थोड़ी पकौड़ी, थोड़ी सुवाली, थोड़ा सा सामान बना लेंगे, क्योंकि चार जने खाने वाले ज्यादा। थोड़े से चीर ले, करने का भी तो है बोले। चीले सुवाली पकौड़ी का तो ज्यादा है। क्या क्या बना रहे आज तुम? क्या आज हम कितना सिस्टम आज ना वो है तू आ रहे आज हम पूजा हो रही है। भूखिया खड़ा हुआ है ना गाँव में, तो उसकी पूजा हो रही है आज। तो चीले बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पकौड़ी बना रहे, चीले भूमिया की वजह से बना रहे, और जी ये सुवाली में भूमिया खेड़े की वजह से। अभी हम बना रहे हैं सुवाली, और जी ये देखिए दो डाल दिया मैंने इसमें, और तेल में बना रहे हैं तो ये देखो कुरकुरी सी सेक लेंगे, मिट्टी है ये शक्कर की बना रहे। इसमें सौंफ डाल रखी हुई मैंने, मम्मी सौंफ डाल। हाँ सौंफ देख, हाँ अच्छी लगे सौंफ डाल के। तो देखिए गाइस अभी ये दो बन चुकी है, और डाल देंगे इसमें ये देखो दो दो सेक लेंगे बस करके। ये सुवालिया बन चुकी है, ये देखिए बहुत अच्छी बन गई। ठंडी होने के बाद ना कुरकुरी हो जाएगी बहुत अच्छी, क्योंकि गर्म तो नरम सी रहा है ना। तो अभी तेल में डाल देते हैं पकौड़ियाँ। तो पकौड़ी बनने की हो गई है तैयारी, तो इसमें थोड़े तेल करके पकौड़ी उतार लेंगे। आज ना सारी चीज़ें बनाओगे पकवान, बारिश का मौसम है आपको बताइए, जब बारिश का मौसम हो कुछ ना कुछ तो मन कराया बनाने का चटपटा को। तो पकौड़ियाँ बनाएंगे, तेल गर्म है बढ़िया तेज वाला, पहले सुवालिया उतार ली इसमें, अभी इसी तेल में हो जाएगी पकौड़ी। बस और जी आइए आप भी खाइए हमारे साथ। देखिए गाइस कुछ पकौड़ी सीख चुकी है और कुछ रह गई है बाकी, और अन्य के बाबा जी को दे दिया है खाने के लिए अभी। तो आइए और आप भी खाइए हमारे साथ गर्मा गर्म पकौड़ी। जो है सुबह के बजे हुए हैं 9, और बारिश जो है फिर से शुरू हो गई है बहुत तेज। नाश्ता जो है अभी हो गया है, और रात से बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे, ये देखिए आप भरपूर मात्रा में, मात्रा यानी कि ये है कुछ ऐसा नज़ारा खेतों का, और बहुत अच्छी बारिश हो रही, बहुत बढ़िया, बहुत मन लग रहा। और अभी जो है नाश्ते में हुआ है, पकौड़ी वगैरह खाई है थोड़ा सा, और काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है बहुत बढ़िया। अरनी का जो है रेडी हो रही है, कपड़े चेंज कर रही है, और मम्मी जी जो है कपड़े थोड़े से धो रही है अपने, और दिखाते हैं अरनिका को कहाँ है भैया। ओहो कपड़े चेंज कर रहे हो, और इसे आज पढ़ा दिए है कपड़े ये वाले, काफ़ी दिन से रखे हुए थे, मैंने सोचा कि आज इसको ये वाले पहनाए जाए कपड़े। बैठे हो रही है अरनिका, अनिका किसके कपड़े हैं ये? कपड़े? ये 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 ओ भाई ये 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 भैया भैया के। अच्छा जी सच में भैया के? नहीं अब भी ठीक है, अब आ तो रहा, पहले धोती नीचे थी अब ऊंची सी बढ़िया, ऊंची ठीक है ऊंची रह गए धोती थोड़ी सी है बेटे। अच्छा हाय बोल दो, चलो हाय माम माम करो सबको, हाथ जोड़ के माम माम करो, आराम से खड़े हो गए माम माम, जय श्री राम बोलियो, जय श्री राम, राम बोल दे राम हैं, बोलिए बेटे। मज़ा आ गया भाई, कुर्ता धोती पहन गए, पापा धोरे चले नीचे हैं। अच्छा बब्बा बब्बा के पास चला गया हैं। अच्छा जी चलो।
ये देखिए जी पापा की कार्बन कॉपी और कपड़े पहन के हो गई तैयार, जैसे इसके पापा कर रहे ना बावले हो रहे बिल्कुल बैठ जाओ बंदर की तरह। चलो चलो ये तो हाँ जब से कर दी थी देखो कपड़े किसके हैं कह रही भैया के किसके कपड़े धोती बिल्कुल बुड्ढो वाली भाई इतना आगे एकदम सोगा तरह कैसे आग बीच का कैसे सोगी ऐसे सोगा आग बीच कैसे सो भाई अन्नी का तो सोगी पैर फैला है पूरी खाट पे ऐसे मैं तो एक कोने में पड़ी रहूं उस पे भाई पे। चलो आज इसकी एक वीडियो बनाऊंगा अन्नी पापा इसका शॉर्ट बनाऊंगा स्लो मोशन में एक आज लड्डू बाक के चलो आ जाओ।